हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैक्टर न्यू बाय हरिंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम न्यू ट्रैक्टर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो हमें कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए इंडिया के अंदर जो हमें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दे और बेटर हमें वर्क एक्सपीरियंस दे। बेसिकली हम किसानों से अगर परामर्श करते हैं तो हमें अलग अलग राय मिलती है। कोई हमें महिंद्रा, कोई आयसर, कोई स्वराज, कोई पावर ट्रैक, कोई सोनालिका, यानी अलग अलग हमें जैसे ट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो उसी हिसाब से हमें राय मिलती है। तो इनमें से अगर सभी ट्रैक्टर बेस्ट हैं तो फिर हमें कौन सा ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए और कौन सा खरीदना चाहिए। तो आज हम इंडिया के टॉप 10 ट्रैक्टर्स की लिस्ट में उनकी रेटेड RPM, क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी और फ्यूल कंजप्शन के बारे में डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ट्रैक्टर अपने अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमने सभी ट्रैक्टर्स के डाटा कलेक्ट किए हैं और उसमें से एक अच्छा लिस्ट बनाने की और अच्छा फ्यूल ट्रैक्टर बनाने के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर हमें कोई भी ट्रैक्टर खरीदनी है तो हमें किन किन बातों का पहले उसके अंदर ध्यान देना चाहिए और किन किन बातों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जो ट्रैक्टर ले रहे हैं उसमें हमें कौन सी बातों को, कौन से तथ्यों को उसमें हमें शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों चलो, फर्स्ट है इंजन कैपेसिटी। इंजन कैपेसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट इंजन। सेकंड आती है जो हम ट्रैक्टर ले रहे हैं वो हमें टर्बो इंजन के साथ मिल रहा है या नॉन टर्बो इंजन के साथ। थर्ड है जो फ्यूल इंजेक्शन है, यानी जो फ्यूल इंजेक्शन है वो हमें इनलाइन मिल रहा है या रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पम्प मिल रहा है। फोर्थ आता है ट्रैक्टर हमारा रेटेड RPM, ट्रैक्टर्स के रेटेड RPM क्या होंगे। और नंबर फिफ्थ पे आता है नंबर ऑफ सिलेंडर इन ट्रैक्टर, यानी जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे हमें पावर के अकॉर्डिंग उसमें मिलेगा। तो दोस्तों जब भी हम कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं, जो भी हम उसके अंदर देखते हैं, तो इन चीज़ों का हमें पहले उसके अंदर डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि हम न्यू हॉलैंड है या फिर कोई भी ट्रैक्टर है तो उसके अंदर हमें कितने क्यूबिक कैपेसिटी पे हमें कितने RPM मिल रहे हैं और कितना उसकी फ्यूल कैपेसिटी है या उसके अंदर कितना जो हमारा ट्रैक्टर्स का जो इंजन है वो 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, उसकी अकॉर्डिंग है हमारे ट्रैक्टर की एफिशिएंसी और ट्रैक्टर की फ्यूल कंजप्शन और ट्रैक्टर की पावर हमें मिलती है। तो दोस्तों चलो देख, तो दोस्तों ये हमारे टॉप 10 ट्रैक्टर्स की लिस्ट है जिसके अंदर हमने इंजन की कैपेसिटी, RPM और नंबर ऑफ सिलेंडर्स की हुई है। इस लिस्ट के अंदर हमने जो ट्रैक्टर शामिल किए हुए हैं वो ट्रैक्टर्स 40 से 42 हॉर्स पावर के अंदर हैं जो टर्बो चार्ज इंजन के साथ नहीं आते हैं और पंप भी इनलाइन पंप आता है दोस्तों, रोटरी पंप नहीं आता है। इसमें पहले नंबर पे हमने पलवान 400 जो 40 HP का ट्रैक्टर है, 1947 CC इंजन कैपेसिटी और 2300 RPM और 3 सिलेंडर है, जिसमें पावर ट्रैक सेकंड नंबर पे आता है पावर ट्रैक 439+ जो 41 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है 2339 CC के साथ में और 2200 RPM हमें देता है जो 3 सिलेंडर के अंदर है। तीसरे नंबर पे मेसी आता है जो 1035 यानी 1035 प्लेनेटरी पंप के साथ 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 2400 CC के साथ में 2500 RPM प्रोड्यूस करता है 3 सिलेंडर ट्रैक्टर्स। नंबर फोर पे हमने 3 ट्रैक्टर्स को इंडिकेट किया है, न्यू हॉलैंड 3037 TX 39 हॉर्स पावर के अंदर 2500 CC 2000 RPM के साथ 3 सिलेंडर, आयसर 380 40 HP 3500 CC 2150 RPM 3 सिलेंडर, ड्यूज फॉर 3032E 42 हॉर्स पावर में 2500 CC के साथ में 2000 RPM 3 सिलेंडर। इस नंबर फाइव पे आता है स्वराज 735 V 39 HP के अंदर और ये 2734 CC के साथ में 1800 RPM प्रोड्यूस करता है 3 सिलेंडर्स के अंदर। इसमें सोनालिका 6 नंबर पे आता है DI-35 सिकंदर 39 HP में और ये 2780 CC के साथ में 1800 RPM प्रोड्यूस करता है 3 सिलेंडर्स के अंदर। नंबर सेवन पे महिंद्रा 415 DI जो 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है जिसमें 2730 CC का इंजन क्यूबिक कैपेसिटी और 1900 RPM प्रोड्यूस करता है 4 सिलेंडर ट्रैक्टर्स के अंदर। इसमें नंबर एट पर आता है हमारा जॉन डियर 5105
40 cc 3900 cc के अंदर और 2100 rpm प्रोड्यूस करता है और 3 सिलेंडर्स के अंदर हमें मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों इसके अंदर हमें जितना कम सीसी का इंजन यानी जितना नंबर ऑफ सीसी कम होगा उतना हमारा फ्यूल कंजप्शन कम होगा, जो कि बलवान 400 के अंदर हमें मिलता है। और जितना ज़्यादा सीसी हमारा इंक्रीज़ होगा उतना हमारा फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी के अंदर बलवान 400 जो आता है हमें सबसे एफिशिएंट ट्रैक्टर्स जो 3 सिलेंडर फ्यूल्स के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि जो हमारा नंबर ऑफ सीसी यानी जॉन डियर है जो नंबर ऑफ 2900 का है जो 2100 rpm प्रोड्यूस करता है, सो लोड कैपेसिटी के अंदर जो जॉन डियर हमें परफॉर्मेंस दे सकता है वो हमें बलवान नहीं दे सकता। और इसी के हिसाब से दोस्तों जो हमारी जैसे महिंद्रा है, सोनालिका है या स्वराज है, इनकी सीसी अधिक है। तो दोस्तों इनकी जो फ्यूल कंजप्शन है अधिक है लेकिन जो लोड के अंदर काम करने की क्षमता है वो इनकी अधिक है। सो ये नहीं है कि जॉन डियर को और बलवान को अगर हम लोड के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। हाँ, लेकिन जितना हमें लोड इस पर डालना है, जितना हमें परफॉर्मेंस चाहिए उसके हिसाब से हमारा बलवान और पावर ट्रैक्स जो कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें मैसी 4 नंबर पर आता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। दोस्तों आप देखते हैं फ्यूल कंजप्शंस, इसमें हमें जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा और सोनालिका ये फ्यूल कंजप्शंस लेते हैं 3.5 से 4 लीटर पर आवर इन कल्टीवेटर्स के अंदर में। और दूसरी लिस्ट में हमारे आते हैं जो जॉन डियर जो रोटावेटर के अंदर आते हैं, जो आइसर आता है, जो न्यू हॉलैंड 3633 आता है, इसमें 3 से 3.5 लीटर रहते हैं कल्टीवेटर्स के अंदर में। और रोटरी प्लेटर्स प्लेजा इसी के अंदर में जो हमारे आइसर आता है रोटावेटर्स के अंदर वो हमारा 5 लीटर तक लेता है। इसमें अगर हम बलवान और पावर ट्रैक की बात करें तो ये 2.5 से 3 लीटर लेते हैं कल्टीवेटर्स के अंदर पर हावर्स के अंदर, ये एक बेसिक डाटा है। और ये अगर हम रोटावेटर में करें तो ये हमें 4 से 4 लीटर पर हावर में परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोस्तों इसी के हिसाब से हमें अपना फ्यूल कंजप्शन देखना, हमें अपना वर्क लोड देखना कि हमें कितना वर्क लोड, हम किस चीज़ में ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ट्रैक्टर हमारे लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आशा उम्मीद है कि आपको आपके अकॉर्डिंग ट्रैक्टर डिसाइड करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।